अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने गूगल अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने जीमेल अकाउंट को कैसे हैक होने से बचा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप सबको मिल सके। गाइस, आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर पर जैसे ही आप जाएंगे, ठीक है, आपका जीमेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जैसे कि मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, ठीक है, मैंने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको जो भी जीमेल है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब जिसको आप हैक होने से बचाना चाहते हैं, तो आप उसने जीमेल को यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने मैनेज योर गूगल अकाउंट यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा चेकिंग होगी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट गूगल अकाउंट पर, ठीक है। जैसे ही अब यहाँ पे आप देखें प्राइवेसी पर्सनलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे आपने किसी स्टेप में भी नहीं जाना, पर्सनल इन्फो में आपने जो है अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट के हवाले से वो आपने यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद डाटा एंड प्राइवेसी, मेन चीज़ प्राइवेसी होती है, ठीक है, प्राइवेसी पर आपने आ जाना है, ठीक है। तो गाइस, आपने यहाँ पे सिक्योरिटी पर आ जाना है, सिक्योरिटी का पर जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अगर आप देखें तो आप अपने सिक्योरिटी एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि रीसेंट आपका मोबाइल कहाँ कहाँ पर जो है ना, मतलब कि आपके अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश की गई है, ये देख सकते हैं डेट्स वगैरह के हिसाब से लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट योर अकाउंट, ठीक है, ये इस पर हमने क्लिक करना है, ठीक है, आपने अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना है, सिक्योर करना है। तो इसके लिए हमें मेन जो फर्स्ट ऑप्शन जो है कि अगर आपका मोबाइल देखें किसी और डिवाइस में यहाँ पे है तो आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। एक दूसरा आपने रीसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटीज, मतलब कि आपका मोबाइल जब भी मतलब किसी दूसरे मोबाइल में एक्टिव होगा जीमेल अकाउंट आपका, तो यहाँ पे एक्टिविटी वो शो करेगा, ठीक है। उसके बाद टू स्टेप वेरीफिकेशन, टू स्टेप वेरीफिकेशन का फ्यूचर इसी वजह से दिया जाता है ताकि आपका मोबाइल आपके मोबाइल के अंदर ही जीमेल अकाउंट लॉगिन हो और किसी और मोबाइल में जब लॉगिन हो तो टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगे उससे, जिससे जो हैकर है वो उसको हैक ना कर सके, ठीक है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन आपने यहाँ पर क्लिक करके लाजमी से वो लगा देनी है, ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन। और उसके बाद आपने यहाँ पे बैक आ जाना है, ठीक है। टू स्टेप वेरिफिकेशन इज़ मेन पॉइंट ऑफ, ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी करनी, और टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ नीचे आके भी यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। टू स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी आपने कर देनी है और गेट सिक्योरिटी कोड, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं आपको एक दो कोड दिए जाएंगे जो आपने हमेशा याद रखना है, और वो कोड आप किसी वक्त भी लगा के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपका अपना अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे वो कोड लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपने आ जाना है, ठीक है, मैंने डिवाइस किसी और मोबाइल में आपका जीमेल लॉगिन है तो वो यहाँ पे आप उसको साइन आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, जीमेल अकाउंट को। और आपने प्राइवेसी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके, ठीक है, यहाँ पर आपने जो है ना रिकवरीज में मेल डाल देनी है, जैसे कि मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। यहाँ पे आपने मेल वगैरह आपने रिकवरीज वगैरह के लिए डाल दिए ताकि आपका अकाउंट कोई हैक करने की कोशिश करे तो आप उसे वापस रिकवर कर सकें। तो इस तरह आप अपने जीमेल अकाउंट की सिक्योरिटी और उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। फिर हाजिर होगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है।